मंडी शहर की गलियों में मरीजों को अब बाइक एम्बुलेंस से बिथ स्ट्रेचर मिली है। इनका प्रयोग स्वास्थ्य विभाग शहर व आसपास के इलाकों में जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है वहां करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया था। इस बाइक एम्बुलेंस में स्ट्रेचर लगा है तथा अगर मरीज को अस्पताल लाना हो तो इस पर लेटाकर उसे आसानी से ले जाया जा सकेगा। इससे पहले भी अस्पताल को 108 के तहत दो एम्बुलेंस बाइक मिली थी, लेकिन वे केवल प्राथमिक उपचार और जांच ही कर सकती थी और मरीज को लाने की व्यवस्था नहीं थी। अब इन बाइकों के आने के बाद गलियों तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा और मरीज को लाया जा सकता है। हालांकि अभी इसका संचालन किस तरह से करना है इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग रणनीति बनाएगा, क्योंकि ये एम्बुलेंस 108 के अधीन नहीं थी तथा इसको चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को ही अपने स्तर पर टीम तैयार करनी होगी तथा बकायदा नंबर भी जारी करने होंगे। बाइक एम्बुलेंस के आने से बुजुर्ग मरीजों को खासी राहत मिलेगी, क्योंकि गलियों या संकरी सड़कों पर एम्बुलेंस के न जाने से ऐसे मरीजों को लाने में दिक्कत आती थी। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी को दो जीवन धारा एम्बुलेंस भी सरकार की ओर से मुहैया करवाई गई है। इसमें वेंटिलेटर सहित अन्य सुविधाएं हैं तथा इसे चलता फिरता अस्पताल भी कहा जा रहा है। विभाग ने इनकी सेवाएं आरंभ कर दी हैं। अभी दो तीन दिन पहले ही हमारे पास दो बाइक एम्बुलेंसेस आई हैं, जिसमें एक साइड ट्रॉली लगी हुई है और ये एक तरह का फर्स्ट रिस्पोंडर एक व्हीकल है कि जो छोटे रास्ते हैं जहां पर बड़ी एम्बुलेंस नहीं जा सकती है तो जल्दी में इसको भेज के किसी पेशेंट को अगर हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट करना है तो उसमें ये प्रयोग में लाई जाएगी। और अभी हमने इसको शुरू किया नहीं है और आने वाले समय में हम इसको भी शुरू करेंगे। अभी व्यवस्था बना रहे हैं कि इसका कैसे इसको उचित प्रयोग में लाया जाए और इसको दूसरे आईसी एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रयोग में लाया जाए।